हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स में क्या चल रहा है। रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स के दरमियान इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पर आप लोग फोकस रखिए, देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में इस टाइम क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग मेरे व्यूवर्स और उनके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। अगर आपके पार्टनर्स की लाइफ में इस टाइम कोई और है, कमिटेड है, मैरिज है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कनेक्शन में है, रीडिंग आपके लिए ओपन है गाइस। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के बीच इस टाइम क्या चल रहा है, क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में। फर्स्ट है हमारे पास द सन लियो, फोर ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। देन वी हैव हेरोफेंट, टॉरस, टेन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देन हमारे पास गाइस फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स में क्या चल रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये कार्ड्स आपके सामने हैं, जस्टिस, टेन ऑफ स्वॉर्ड एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोगों का थर्ड पार्टी के साथ लीगल इशू चल रहा है, आपके पार्टनर्स का। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स के दरमियान बैलेंस नहीं हो रहा उनके इस मैरिज में, उनके कनेक्शन में, उनके रिलेशनशिप में, जो भी उनका कनेक्शन है थर्ड पार्टी का। सो आपके पार्टनर्स को या तो वहाँ पे एंडिंग हो रही है, लीगल इशू यहाँ चल रहा है, या फिर चलेगा, डिवोर्स के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग हो रही है गाइस किसी तरह की, ठीक है। यस, सो आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं। ये पर्सन है कि ये पर्सन कनेक्शन में तो है किसी और के साथ, बट ये पर्सन मुझे हैप्पी नज़र नहीं आ रहा गाइस। इस टाइम ये पर्सन के लाइफ में जो एक चीज़ मिसिंग है वो है लव। लव नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, तो ये लव चाहता है। यस, ये पर्सन चाहता है थर्ड पार्टी से इसका कनेक्शन ख़त्म हो, ताकि इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन चाहता है कि इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, इसकी लाइफ में सक्सेस आए, हार्मनी आए, प्रोग्रेस हो इस पर्सन की लाइफ में, किसी सोलमेट से इस पर्सन की मीटिंग हो। सो दैट्स वाई ये पर्सन वहाँ पे एंडिंग करना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है वहाँ पे एंडिंग हो रही है, अगर ये कनेक्शन में है किसी के साथ, रिलेशनशिप में है, तो ये इसका कनेक्शन वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन वहाँ पे काफ़ी ज़िद्दी हो रहा है। इसने अपना हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड किया हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। इस पर्सन की सही कम्युनिकेशन भी नहीं है कर रहा, बिकॉज़ यहाँ तो गाइस मुझे फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। एक तो ये पर्सन फाइनेंशियली एंड करियर पे काम कर रहा है, रैदर देन इसका इंटरेस्ट थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। एज सेकेंड थिंग, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी, कास्ट, कल्चर की वजह से वहाँ पर है, जबकि टोटली ये पर्सन वहाँ पर फेडअप हो चुका है, वहाँ से निकलना चाहता है। ये चाहता है कि इस पर्सन की लाइफ में भी हैप्पीनेस आए, जैसे बाकी लोगों की लाइफ में लव है, प्यार है, हर चीज़ है, रोमांस है, लव है, वो इस पर्सन की लाइफ में मिसिंग है। तो ये चाहता है अपनी लाइफ में कि इसकी लाइफ में भी लव आए। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया, कि ये चाहता है कि इसकी लाइफ में बैलेंस आए। जो बैलेंस इसका नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के साथ, ये जा भी रहा है तो डिवाइन की तरफ से ही इसका बैलेंस नहीं हो रहा गाइस। सो मुझे मोस्टली यहाँ पे फील हो रहा है जैसे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान या तो इस टाइम डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट इशू चल रहा है, कोई कोर्ट का केस, अदरवाइज़ यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर ये सिचुएशन चलेगी। बिकॉज आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इंटरेस्टेड नहीं है।
गया होगा, ये नो डाउट, ये पर्सन है थर्ड पार्टी में अपनी मर्जी से गया होगा, बट हैप्पी नहीं है। आपके साथ बुरा करेगा तो इसके साथ भी तो अच्छा नहीं होगा ना। देन है फोर ऑफ कप्स, अगेन फोर की एनर्जी है गाइस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोर है, मिस कर रहा है जो इसने पास्ट में अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपको जो रिजेक्ट किया ये वो सोच रहा है। यस द एम्परर, ये एम्परर की एनर्जी में है। अगर ये फीमेल मेल कुछ भी है, ये थर्ड पार्टी के साथ अपने आप में रहता है, ईगो लीडरशिप कंट्रोल करता है थर्ड पार्टी को, इसकी जब मूड होता है थर्ड पार्टी से बात करता है, जब मूड होता है थर्ड पार्टी से बात भी नहीं करता, उसको मुंह भी नहीं लगाता, चाहे ये मेल है या फीमेल है कुछ भी है, ये वेट कर रहा है एंडिंग का, क्योंकि ये किसी को ऑफ़र भी देना चाहता है गाइस। ये पर्सन किसी और को ऑफ़र देना चाहता है, किसी और को लव प्रपोजल देना चाहता है, उसी को सोच रहा है, ठीक है। या स्ट्रेंथ, ये गैदर कर रहा है स्ट्रेंथ, पावरफुल एनर्जी में आ रहा गाइस ये पर्सन, अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी में ये आना चाह रहा है। थर्ड पार्टी मुझे फील हो रहा है, जैसे हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स को थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है, बट ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर का खुद है, तो ये किसी को कंट्रोल को कैसे पसंद करेगा। जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही किसी सिचुएशन में दोनों पर्सन एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे और वो चाहते ही हैं कि हमें कोई कंट्रोल करे, तो वो कैसे कनेक्शन वर्क करेगा, आप लोग खुद सोचिए, कॉमन सेंस। तो यहाँ तो इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, तो ये कंट्रोल खुद करना पसंद करता है, ये कंट्रोल इसको कोई करे वो तो पसंद ही नहीं करता, सो वहाँ पे इसकी पर्सन सही बात नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान ब्लॉकेजेस हैं, कि इस पर्सन ने खुद ही एक ब्लॉकेज बैरियर क्रिएट किया हुआ है थर्ड पार्टी और अपने दरमियान, और ये सही से कम्युनिकेशन कर ही नहीं रहा। जब इस पर्सन का मूड होता है ये सही बात करता है, जब इस पर्सन का मूड होता है ये पर्सन थर्ड पार्टी से बात भी नहीं करता, और सिर्फ मुझे लगता है टेम्परेरी कोई काम की बात होती है तो होती है थर्ड पार्टी से, अदरवाइज़ ये पर्सन की ज़्यादा ना तो वहाँ पे लव है, ना रोमांस है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना ये पर्सन को कोई इंटरेस्ट है थर्ड पार्टी में, क्योंकि ये किसी और की तरफ इंटरेस्टेड है गाइस। सो बस ये पर्सन पावरफुल अपनी एनर्जी में आ रहा है, स्ट्रेंथ में आ रहा है, अपने कंट्रोलिंग एनर्जी में इसीलिए आ रहा है ताकि ये उधर से एंड करे, क्योंकि वहाँ से निकलना चाहता है। ओके, सो ये चाहता है वहाँ पे एंडिंग हो इस पर्सन की, क्योंकि हैप्पी नहीं है गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। 4444444 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज़्यादा और निकलना चाहता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा कोई पोटेंशियल नहीं मुझे नज़र आ रही इसकी थर्ड पार्टी के साथ इस कनेक्शन की, सो मुझे एंडिंग होती नज़र आ रही है यहाँ, और ये पर्सन चाहता भी एंडिंग हो। थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है बिकॉज इसकी वाइफ है, हस्बैंड है, कुछ भी है, वो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है, अच्छा तो कुछ भी नहीं मुझे लग रहा, बट ये पर्सन चाहता है कि अच्छा हो इसकी लाइफ में, किसी ऐसे पर्सन को ये प्रपोजल दे जिसके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है, या पास्ट में इसने किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किया है उसको दोबारा प्रपोज देना चाहता है और उसके साथ लव की बिगनिंग करना चाहता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, ये आप लोगों के पार्टनर्स की और थर्ड पार्टी के दरमियान सिचुएशन चल रही है, मैंने आपको बता दी है, रेजोनेट की और पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।